नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द चार्वाक पॉडकास्ट। दिस इज योर होस्ट कुशल मेहरा। ऑल राइट, आज की पॉडकास्ट हम हिंदी में करने वाले हैं। बहुत सारी पॉडकास्ट मैं अंग्रेजी में करता हूँ, मगर आज की पॉडकास्ट हिंदी में करने का एक कारण है। इस पॉडकास्ट का टाइटल हमने रखा है हिंदी मीडिया लैंडस्केप। ये चर्चा पूरी हिंदी मीडिया पर होने वाली है। सो जस्ट एक आप लोगों को एक कारण बता देता हूँ कि क्यों मैंने किया है, कि भारत में अगर हम रीडरशिप को देखें और पढ़ने वाले या सुनने वाले जो श्रोता या जो भी आप बोलना चाहें, जिन्हें कंज्यूमर ऑफ न्यूज़ कहते हैं, जो खरीदते हैं, अखबार खरीदते हैं या न्यूज़ चैनल देखते हैं, उसमें जो रेशियो होता है रीडरशिप का, जो भले वो वीडियो मीडियम हो या प्रिंट मीडियम हो, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। मगर फिर भी जो एक डिसप्रोपोर्शनेट फोकस होता है, जिसे हम कहते हैं कि वो हमेशा पता नहीं किस कारण से इंग्लिश मीडिया लैंडस्केप में होता है। तो मेरे जो आज के गेस्ट हैं राजीव सचिन जी, उन्हें मैं काफ़ी समय से पढ़ रहा हूँ। राजीव सचिन जी इज़ दी एसोसिएट एडिटर ऑफ जागरण न्यूज़ एंड नेशनल मीडिया में इन्होंने 30 साल से भी ज़्यादा काम किया हुआ है। तो मैंने राजीव जी को बोला कि सर आप आइए पॉडकास्ट में जरा और हमें बताइए हिंदी और अंग्रेजी जो माध्यम है उनमें अंतर क्या है। सो राजीव जी, पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी। तो राजीव जी, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, क्यों थोड़ा सा, क्योंकि आप पहली बार आए हैं पॉडकास्ट पे, और मेरा एक थंब रूल होता है कि मैं हमेशा अज्यूम करता हूँ कि जो भी आया हो पॉडकास्ट हो, कितना भी बड़ा हो, मगर एक बार मैं उनसे हमेशा एक विनती करता हूँ कि वो अपनी एक जो छोटी सी जर्नी या उनके करियर के बारे में मेरे दर्शकों को बताए। तो मेरी आपसे विनती होगी कि पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप पत्रकारिता में आए कहाँ से। पत्रकारिता में इस वजह से क्योंकि छात्र जीवन में ही जब हाई स्कूल वगैरह में थे तब से कुछ लिखने पढ़ने की आदत बन गई और वो लगातार डेवलप होती गई। तो उस दौरान जो भी हिंदी की मैगजीन आती थी, अखबार आती थी, तो हमारा होम टाउन कानपुर है, उससे थोड़ी दूर पे सर है हमारा घाटमपुर, कानपुर का सबसे बड़ी तहसील है। तो शुरू से चूंकि अखबार मैगजीन घर में आते रहे तो लिखने पढ़ने की आदत हो गई। तो फिर ग्रेजुएशन के बाद जब जैसा कि सब लोग करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम भी उसी में लगे, लेकिन कुछ लिखने पढ़ने का रुझान लगातार बना रहा। कुछ लिख के भेजते थे तो छोटे मझोले अखबारों में छप जाया करता था। इसके बाद दैनिक जागरण में एक बार वांट निकली कि कुछ ट्रेनी सब एडिटर की जरूरत है, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और इस तरीके से हमने 89 मई 89 में जागरण कानपुर ज्वाइन किया। और उस दौरान कुछ समय न्यूज डेस्क पे रहे, फिर फीचर पे रहे, फिर एडिट पेज देखते रहे। इसके बाद 89 से लेकर 2005 तक कानपुर में रहे और 2006 में नोएडा शिफ्ट हो गए, क्योंकि पहले हमारा हेड ऑफिस कानपुर था, हालांकि अभी भी है, लेकिन अब एक तरह से नोएडा वो शिफ्ट हो गया है क्योंकि देश की राजधानी के करीब है और सारी गतिविधियां यहीं होती हैं। तो इस तरीके से ये एक लंबा सफर है और इस दौरान कई एक दायित्व देखते रहे। एक नेशनल एडिशन लॉन्च किया हमने, जागरण का ही एक प्रीमियम ब्रांड था उसको लॉन्च किया, पूरे न्यूज रूम को हिट किया, लेकिन एडिट पेज जो है शायद 92 से हम देख रहे हैं जागरण का और अभी भी देख रहे हैं। इसके साथ और भी जो दूसरी जिम्मेदारियां हैं उनका भी निर्वाह कर रहे हैं। तो सर ऐसा है, मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। हमारे घर में बड़े सालों से बंबई में दो पेपर हमेशा आते रहे हैं। एक है टाइम्स ऑफ इंडिया और एक है नवभारत टाइम्स। मैं आपको मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक चीज नोट किया और आप मुझे बताइए क्या ये मेरा एक्सपीरियंस सही है गलत है, अगर आधा सही है आधा गलत है। मैं जब फ्रंट पेज देखता हूँ ना सर, नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें बड़ा अंतर होता है। और उसके बाद भी अगर आप पेज टू, पेज थ्री, पेज फोर तक जाएंगे, उसमें एक अंतर बढ़ते ही जाता है। कि जैसे अगर आप नवभारत टाइम्स पढ़ेंगे और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं दो अलग देशों में रह रहा हूँ, दो अलग दुनिया है ये और दो अलग किस्म के लोग हैं।
क्या ये मेरा एक्सपीरियंस, क्या ये मैं जो सोच रहा हूँ या देख रहा हूँ या महसूस कर रहा हूँ, क्या ये आपके हिसाब से सही है या गलत है कि पता नहीं कि हम एक ही चीज को कवर कर रहे हैं कि सिर्फ दृष्टिकोण का फर्क होता है ये? आपने जो कहा वो एक बड़ी हद तक सही है, क्योंकि इस बात को हमने महसूस किया अच्छी तरीके से कि जो हिंदी अखबार हैं, भाषाई अखबार हैं, वो जो आम लोग हैं, आम जनजीवन है, उस पर अच्छी नब्ज, उसकी नब्ज अच्छे से टटोलते हैं, उनकी दृष्टि उस पर ज्यादा रहती है। और जो अंग्रेजी मीडिया है वो अभी भी भारत के एलीट क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और पिछले कुछ सालों में तो ये हुआ है कि वो जो भारत के बड़े अंग्रेजी अखबार हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट से ज्यादा प्रभावित दिखते हैं, और वो उन्हीं की तर्ज पर अपनी न्यूज का सिलेक्शन करते हैं। हालांकि उनको रियलाइज हो रहा है कि हम जो कॉमन मैन है उनके पास हमको जाने की जरूरत है। तो इधर 3-4 सालों में जो हिंदी पट्टी के छोटे शहर हैं वहां पर भी अंग्रेजी के अखबारों ने अपने करेस्पॉन्डेंट रखने शुरू कर दिए हैं और वहां से न्यूज का आना बड़ा है, लेकिन अभी भी वो फर्क साफ दिखता है। और कई एक ऐसे मामले हैं जिनमें अंग्रेजी अखबारों का रुख रवैया कुछ अलग होता है, हिंदी अखबारों का कुछ अलग होता है, चाहे राम मंदिर का इशू हो, किसानों का आंदोलन हो, शाहीन बाग धरना हो, या अभी जो कुछ हो रहा है, या और कंट्रोवर्शियल इशू हैं जैसे लव जिहाद है, तो अब उस लव जिहाद को लव जिहाद की संज्ञा दें या कुछ दूसरा नाम दें, लेकिन अंग्रेजी मीडिया इस धारणा को बिल्कुल खारिज करता है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज है। अगर आप उसको लव जिहाद नाम नहीं देना चाहते तो कोई दूसरा नाम दे दीजिए कि छल कपट से धोखे से लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना। और इस तरह की खबर हर दिन आती है हिंदी अखबारों में कहीं ना कहीं, लेकिन अंग्रेजी मीडिया, अंग्रेजी क्लास, वो इस चीजों को नकारता है। तो ये एक बेसिक अंतर है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो इंडिया को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं और भारत को कम, और ये गैप साफ देखा जा सकता है अंग्रेजी के अखबारों में और हिंदी और साथ में जो दूसरे भाषाई अखबार हैं। जब राम मंदिर आंदोलन अपने शुरुआती चरण में था 89-90 में, तो हिंदी और दूसरे एक दो और भाषाओं के अखबारों को छोड़ दें तो उनके अलावा सारा मीडिया राम मंदिर आंदोलन को डिस्क्रेडिट करता था, उसको सांप्रदायिक बताता था, और जाहिर सी बात है कि उसके खिलाफ जितना भी संभव हो पाता था लिखा जाता था। लेकिन परिस्थितियां बदली और आप देखें कि जो है 2010 आते आते अंग्रेजी मीडिया को रियलाइज हो गया कि नहीं, हम अयोध्या मूवमेंट को या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जो हिंदू समाज की आकांक्षा है उसकी अनदेखी नहीं कर सकते, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना स्टैंड बदला। और फिर एक स्थिति ऐसी आई कि जो राजनीतिक दल और जो अंग्रेजी मीडिया राम मंदिर आंदोलन को डिस्क्रेडिट बताते थे, उसको सांप्रदायिकता का वाहक कहते थे, उन्होंने अपने स्वर बदले, और जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सभी यही कहने लगे कि नहीं, वहां मंदिर बनना चाहिए, शांतिपूर्वक बनना चाहिए, या तो आपसी बातचीत से बने या अदालत के निर्णय से बने। लेकिन 20-25 साल पहले वो आम सहमति से मंदिर का निर्माण हो, इसकी जितनी भी पहल हुई तो उस पहल को डिरेल करने में अंग्रेजी अखबारों की बड़ी भूमिका रही, और जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और दूसरे ऐसे संगठन थे उन्होंने उसके लिए उकसाया कि आप कोई समझौता मत करें, नहीं तो ये फिर कल को दूसरे धर्म स्थलों पे मांगेंगे। और जाहिर सी बात है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, वामपंथी इतिहासकार और सोकार सेकुलर लिबरल लोग जो अंग्रेजी अखबारों में लिखते थे, जिनका प्रभुत्व था और जो दूसरे किसी विचार को सुनना पढ़ना सहन करना नहीं पसंद करते थे, उसी लाभी का नतीजा हुआ कि जो मुस्लिम नेतृत्व
सुलह समझौते के लिए तैयार भी था, उसको उन्होंने भड़काया, उकसाया और ये नौबत आई कि अब देखिए फिर से काशी का मामला सतह पर है और मथुरा का मामला सतह पर है। तो राजीव जी, ये इस पे थोड़ा और मेरे को चर्चा करनी है आपसे। तो ये दृष्टि का जो अंतर है, जो आपने कहा है कि एक, और राम जन्मभूमि में आपने सबसे अच्छा उदाहरण लिया है कि मुझे मुझे याद है, मेरे बचपन की चीजें मुझे आज भी याद है, ये कि जब हम लोग जिस घर में आज मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहां नहीं रहते थे, हम किधर और रहते थे, और मुझे याद है मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि मुझे, जैसे कि ऐसा होता है कि हिंदी अखबार पढ़ते हैं तो पिताजी का एक रिएक्शन एक होता था, और फिर पिताजी जब अंग्रेजी अखबार उठा देते थे ऐसा लगता था मेरे पिताजी का रिएक्शन क्यों चेंज हो गया, और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मगर इससे अभी मैं ये समझना चाहता हूँ कि थोड़े अगर आप नंबर्स अगर बता सके, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जैसे कितने लोग, कितने दर्शक, मैं वीडियो की तो बात बाद में करूंगा, उस पर भी मैं आपके साथ आने वाला हूँ, मगर पहले तो मैं प्रिंट मीडिया की ही बात करना चाहता हूँ। जैसे दर्शकों का अंतर कितना है, जैसे कितने लोग समझ लीजिए उस एरिया में, अभी मैं ये समझता हूँ कि सारा भारत हिंदी तो पढ़ता नहीं है क्योंकि हर प्रांत में अपनी निजी भाषा होती है, फिर भी हिंदी भाषा का प्रचलन सबसे ज्यादा है भारत में, वो एक अलग बात है, मगर फिर भी अब अंग्रेजी जिसको बोलते हैं सो कॉल्ड मीडियम, इंग्लिश लैंग्वेज का बोलते हैं पैन इंडिया है, चलिए हिंदी का अगर मैं आर्ग्यूमेंट ना भी लूं क्योंकि दक्षिण भारत और काफी जगहों पे हिंदी का प्रचलन नहीं है इतना, मगर उसके बाद भी क्या नंबर्स में कौन ज्यादा होता है, इंग्लिश मीडियम होता है कि हिंदी मीडियम होता है, अगर हम उस स्टेटिस्टिक को एडजस्ट करें एज पर रीजनल एरिया। जैसे समझ लीजिए अगर मैं हिंदी जो भाषी प्रांत है उधर, क्या हिंदी के अखबार ज्यादा बिकते हैं कि अंग्रेजी के? देखिए अगर आप इंडियन रीडरशिप सर्वे देखें, जो इधर तो नहीं आ रहे हैं लेकिन पिछले 2-3 साल पहले हर साल जो उनकी रिपोर्ट आती थी, तो जो टॉप 10 अखबारों की सूची बनती थी, तो उसमें 7 या 8 बार हिंदी तमिल भाषाओं के होते थे, और इसके बाद 8वें 9वें 10वें पे अंग्रेजी अखबारों का नंबर आता था। और इधर 1-2 सालों से कोरोना की वजह से शायद वो सर्वे नहीं हो पाए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति यही है कि हिंदी अखबार और दूसरे भाषाई अखबार तमिल बंगला मराठी, वो जो टॉप 10 सूची अगर IRS की देखें आप पिछले सालों की, तो उनमें ऊपर दैनिक जागरण, कभी दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, इसके अलावा डेली शांति जो वहाँ का तमिल का अखबार है, 1-2 और शायद मलयाली अखबार, इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, ST वगैरह का नंबर आता है टॉप 10 की सूची में। ये स्थिति है, लेकिन चूंकि जो देश का एलीट क्लास है, जो नीति निर्माता है, जो नीतियों को बनाने में या सरकारों को प्रभावित करने में जो जिसकी भूमिका है, वो अभी भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी मीडिया की है, तो अंग्रेजी मीडिया के पाठक भले ही कम हो हिंदी और दूसरे भाषाई अखबारों के मुकाबले, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है, सत्ता का जो तंत्र है, उस पर उसका प्रभाव अभी भी है। हालांकि 2004 के बाद स्थिति बदली है, लेकिन अभी भी आप देखें कि मोदी सरकार अपनी बात अंग्रेजी अखबारों के जरिए लोगों तक पहुंचाने की चाहत में रहती है कहीं ना कहीं, भले ही वो उसके मोदी सरकार की नीतियों के घोर आलोचक हों, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारा पक्ष अंग्रेजी अखबारों में भी आना चाहिए। तो ये वैसी ही चाहत है जैसे जैसी चाहती है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट में भारत के बारे में कुछ अच्छा लिखा जाए, लेकिन ये चाहत पूरी होने वाली नहीं है, ये फ्यूटाइल कोशिश है। तो उसी तरह की कोशिश ये अंग्रेजी अखबारों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उनके रुख रवैये में कोई तब्दीली आने वाली है, क्योंकि अंग्रेजी अखबार उनको जो जो भारतीयता है, जो राष्ट्रबोध है, उससे वो थोड़ा दूर है, वो सेकुलरिज्म की उस परिभाषा से प्रभावित हैं, उसी को महत्व देते हैं जो वेस्टर्न थॉट है,
इसके बजाय जो हिंदी और दूसरे भाषाई अखबार हैं, वो जो भारत की सदियों पुरानी परंपरा है, सर्वधर्म संभाव, सर्वपंथ संभाव, वसुधैव कुटुंबकम, जब हमारे पास वसुधैव कुटुंबकम, सर्वपंथ संभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी हजारों साल पुरानी धारणाएं हैं, तब हम वेस्टर्न थॉट सेकुलरिज्म को इंडिया में प्रमोट करें, उसकी वकालत करें, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अंग्रेजी अखबार उसी से प्रभावित है और ऐसा लगता नहीं कि उनके रुख रवैये में कोई तब्दीली आने वाली है। जी अच्छा, ये आपने एक बहुत पते की बात की है, मैं इस पर और थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। आपने अभी कहा कि मोदी सरकार भी, ये मोदी सरकार नहीं है, ये इट इज अ फीचर नॉट अ बग। ये आपकी बात सही है कि जितनी भी सरकारें होती हैं, और खास तौर पे जो नीति का, जो जब नीति की बारी आती है, जिसको पॉलिसी मेकिंग हम कहते हैं अंग्रेजी में, पॉलिसी मेकिंग में अंग्रेजी अखबार और अंग्रेजी भाषा का डिस्प्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस होता है। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है। मगर ऐसा क्यों है राजीव जी कि भारत भारत का जो वोटर है, जो 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 मतदाता है, मतदाता तो हिंदी अखबार पढ़ने वाला है या बांग्ला अखबार पढ़ने वाला है, या आपके मराठी, मैं जहां महाराष्ट्र से हूँ, मराठी अखबार पढ़ने वाला है, या तमिलनाडु में तमिल पढ़ने वाले हैं, वो आपके असली वोटर हैं। और आपकी पॉलिसी जो है, आपकी पॉलिसी या आपकी जो नीति का जो भी आप कर रहे हैं नीति के साथ, उसका जो असली कंज्यूमर है या जिसका असर जिसके ऊपर होने वाला है, वो तो रीजनल लैंग्वेज में होने वाला है, हिंदी भाषा हो या जो भी हो। उसके बाद भी ये जो हमेशा से सरकारों में एक ये पद्धति रही है कि सबसे पहले मैं जाकर अंग्रेजी अखबार वालों को शांत कर दूं, इसका कारण क्या है? कारण शायद नौकरशाही है जो अंग्रेजी दा है, और जो लगता है कि अंग्रेजी अखबार अगर सरकार की लाइन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनको प्रभावित करने में हमको आसानी होगी। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि सरकार को इसकी परवाह नहीं रहती है कि अंग्रेजी अखबारों में हमारे खिलाफ कुछ भी लिखा जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों तरह के कंट्राडिक्शन दिखते हैं। एक और तो अंग्रेजी अखबारों में जो कुछ भी सरकार के खिलाफ, भले ही उसके फैसला सही हो, जायज हो, उसके खिलाफ लिखा जाता है तो उसकी परवाह करते नहीं दिखते हैं, और दूसरी ओर उन्हीं के पास पहुंचते भी हैं, उनको विज्ञापन भी देते हैं, और ऐसे अखबारों को भी, अंग्रेजी अखबारों को फुल फुल पेज विज्ञापन मिलते हैं जो मोदी सरकार के घोर कट्टर आलोचक हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती कि सरकार और उसकी नौकरशाही वो अंग्रेजी मीडिया जो गाली देता रहता है, मोटे तौर पर सारे अखबार नहीं लेकिन ज्यादातर अखबार, उसी को प्रभावित करने की कोशिश क्यों करते रहते हैं। जब दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि अंग्रेजी अखबार कुछ भी लिखते रहें, हमारा जो आम मतदाता है, आम जनता है, वो तो उसको पढ़ती नहीं है। तो ये दोनों विरोधाभासी चीजें हैं कि एक ओर उनकी पूछपरख भी करते हैं अंग्रेजी अखबारों की, और दूसरी ओर ये भी मानते हैं कि भाई वो कुछ भी लिखते रहें, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये मतलब, इसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में राजीव जी कहा जाए तो क्या हर सरकार को स्टॉकहोम सिंड्रोम है? ऐसा लगता है कुछ, देखिए कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के खिलाफ आग उगलता है तो उसमें विशेष मौकों पर, या वाशिंगटन पोस्ट में मोदी और ट्रंप का एक साझा आर्टिकल छपा था, जब मोदी पहली बार वहां गए थे तो न्यूयॉर्क टाइम्स चूज किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं जो आप स्टॉकहोम सिंड्रोम वाली बात कह रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो नजर आती है। तो चलिए, अभी थोड़ा सा अब हम कल्चर की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये आपके हिसाब से ऐसा क्यों होने लगा कि जो अंग्रेजी अखबार हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अखबार में नहीं आती न्यूज़ या कभी कभी आती है, मगर जो सबसे बड़ा अंतर अगर आप मुझे पूछेंगे, तो जो अगर मैं बाकी भाषाओं का नहीं, क्योंकि मैं तमिल या मैं मराठी फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ मीडिया, मगर मैं इतना नहीं पढ़ता जितना मुझे पढ़ना चाहिए, और मुझे इसका असल में मुझे दुख भी है और मेरी गलती है, मैं ये मानता हूँ कि मुझे मराठी अखबार भी पढ़ने चाहिए ज्यादा, मगर कभी कभी जैसे तरुण भारत पढ़ लिया,
जो आरएसएस की पत्रिका है, कभी कभी मैं पढ़ लेता हूँ इक्का दुक्का आर्टिकल, अगर कुछ आए अच्छे किसी ने शेयर किया तो मैं अवश्य पढ़ता हूँ, मगर हिंदी में आज भी लगातार पढ़ता हूँ, भले दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, मैं पढ़ता रहता हूँ। मगर मैंने एक चीज नोट की है कि सबसे बड़ा जो अंतर आता है हिंदी और अंग्रेजी, मैं बाकी भाषाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें असल में आपने ये जो कहा है ना कि कल्चर के ऊपर जो टिप्पणी होती है या कल्चर के को देखने की जो दृष्टिकोण होता है या नजरिया होता है या जिसको हमें लेंस कहते हैं, द लेंस, द वे यू लुक एट सोसाइटी, ये इतना बड़ा डिफरेंस है। मगर ऐसा तो, और अगर मैं किसी को भी पूछूंगा ना राजीव जी, तो एक बड़ा सिंपलिस्टिक सा आंसर मेरे को हमेशा उत्तर दिया जाता है, वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं वो क्या है ना कि अंग्रेजी अखबार में सारे मार्क्सिस्ट भरे हुए हैं इसीलिए वो ऐसे हैं। ऐसा तो राजीव जी नहीं होगा ना कि सिर्फ मार्क्सिस्ट भरे हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि हिंदी भाषी अखबारों में मार्क्सिस्ट नहीं होंगे या वामपंथी सोच के लोग नहीं होंगे, मगर उसके पश्चात भी वहां पे फिर भी एक वो जो जब आपके, अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण बताता हूँ, बहुत सारी स्टडीज आती हैं, आपको मुझसे ज्यादा ही पता होगा इसके बारे में, मगर फिर भी मैं क्या हमारे दर्शकों के लिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ, ये कि जैसे एक सोशल साइंस में है ना, ये लोग स्टडीज करते हैं, उसमें ये लोग को दिखाना होता है कि भारत में एक किस्म का क्राइम बढ़ रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक ये बहुत ही नोन मेथडोलॉजी है रिसर्च में, जब वो वन ऑफ द एविडेंसेस जो दिखाना चाहते हैं ना, वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी ये न्यूज़ आ रही है, मगर भारत में ये इतना बड़ा अजीब सी ये जो एक दो दुनियाएं हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं, लिंचिंग के मामले, ठीक है, अगर मैं, और ये मैंने खुद राजीव जी मैंने खुद महसूस किया था कि जब मैं अंग्रेजी अखबार उठाता था ना तो सिर्फ एक किस्म की लिंचिंग आती थी उसमें, मगर मैं जब हिंदी अखबार उठाता था ना तो अलग किस्म की लिंचिंग आती थी उसमें। तो मुझे ये आपसे समझना है कि अगर एक इंसान को असल में रिसर्च करनी होगी और उसको एक एक सत्य की तरफ जाना है कि भाई हो रहा क्या है मेरे देश में, तो मैं जानूंगा कैसे राजीव जी, क्योंकि अगर मैं हिंदी अखबार उठाऊंगा तो ऐसा लगता है सिर्फ काओ लिंचिंग हो रही है जिसमें मुसलमानों को मारा जा रहा है, अगर मैं मतलब अंग्रेजी अखबार में, और मैं हिंदी अखबार उठाऊंगा तो जो गाय की चोरी कर रहे हैं और जो बेचारा अपनी गाय को बचाने की कोशिश कर रहा है उसको लिंचिंग कर दी जाती है और वो लिंचिंग की न्यूज सिर्फ हिंदी अखबारों में आ रही है। तो राजीव जी ऐसे ऐसे में मेरे को सत्य कैसे पता चलेगा? देखिए स्थिति अब ऐसी हो गई है कि आप अगर कोई एक मीडिया माध्यम इस्तेमाल करते हैं, कोई खास टीवी चैनल, एक ही दो टीवी चैनल देखते हैं या एक ही दो अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, और जो उनके विपरीत मत के अखबार हैं, टीवी चैनल हैं या सोशल मीडिया में हैं, तो जब तक आप दोनों पर नजर नहीं रखते हैं तब तक आपको सच का पता नहीं चलेगा। जो आपने मॉब लिंचिंग और ये काऊ वाला इशू उठाया कि आप देखिए कि हिंदुस्तान टाइम्स एक हेट ट्रैकर एक सीरीज चला रहा था जिसमें वो सिर्फ एक विशेष समुदाय की लिंचिंग को ही की लिस्टिंग करता था, और बाकी जितनी जो दूसरी तरह की लिंचिंग होती थी जिसमें मुस्लिम किसी हिंदू को किसी कारण से लिंचिंग कर रहे होते तो वो खबर या तो गायब होती थी या उस खबर को पढ़ के आप समझ नहीं सकते कि किसने किसको मारा। और इसके दर्जनों उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण है कि उन्होंने जब किसी मॉब लिंचिंग का शिकार कोई मुस्लिम बना तो उन्होंने उस न्यूज को किस तरीके से फैस किया, और जब कोई हिंदू या दलित बना और विक्टिम दलित या दलित हिंदू था या सामान्य हिंदू था और उसको पीटने वाले मारने वाले मुस्लिम थे तो वो खबर या तो बहुत डाइल्यूट होती है या उस खबर को पहली नजर में पढ़ करके आप खासकर उसकी हेडिंग से पढ़कर समझ नहीं सकते कि किसने किसको मारा। ऐसी न जाने कितनी खबरें हैं जहां जो मुस्लिम मौलानाओं ने कुछ अपराध किया, रेप किया या कुछ और भड़काऊ भाषण दिया या ठगी की, तो उसमें पुलिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, अंग्रेजी मीडिया में अभी भी किया जाता है, दर्जनों ऐसी खबरें हैं जिसमें पुलिस और कई बार तो कैरिकेचर या फोटो भी किसी साधु संत या भगवाधारी का लगाएंगे। जब आप खबर पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि नहीं, जो जिस
पर आरोप है, जिसकी गिरफ्तारी है वो कोई मौलाना थे, कोई मुल्ला थे, इस तरह का है। आप देखें कि एक झारखंड में एक मोटरसाइकिल की चोरी के आरोप में एक तबरेज अंसारी के लड़के को की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, उसको घायल कर दिया था, फिर जब अस्पताल पहुंचा तो उसकी डेथ हो गई। और उसको लेकर के दिल्ली से लेकर के मतलब दिल्ली के अखबारों से लेकर के और अमेरिका और ब्रिटेन के अखबारों में मॉब लिंचिंग और एक खास तरह के लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। इसी के उसी घटना के करीब 2 साल बाद दिल्ली में एक मोबाइल चोरी के आरोप में एक 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 दलित लड़के को, शायद राहुल नाम था, उसको दिल्ली में कुछ मुसलमान लड़कों ने पकड़ा, पेड़ से बांधा, उसको बुरी तरह से पिटाई की। जब तक पुलिस पहुंची तब तक वो मरणासन्न हो गया था। और उसकी खबर दिल्ली के अखबारों में भी अंदर के पेज में थी, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम तबरेज अंसारी नहीं था, जबकि वो ठीक उसी तरह से मारा गया जिस तरीके से तबरेज अंसारी मारा गया। तो उस पर हमने एक आर्टिकल भी लिखा था कि दोनों पर चोरी के आरोप थे, दोनों एक ही तरह से मारे गए, लेकिन तबरेज अंसारी मारा गया इससे पूरी दुनिया परिचित हो गई, और राहुल मारा गया दिल्ली में, कोई किसी देश के किसी सुदूर जिले या ग्रामीण इलाके में नहीं, और दिल्ली वाले ही ढंग से नहीं परिचित हो पाए कि एक मॉब लिंचिंग ऐसी भी हुई है। इस तरह के दर्जनों उदाहरण हैं। अखलाक का मामला आप देखिए कि वो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उछला था जो दादरी में, और वो जब पहले दिन घटना घटी तो जो रीजनल अखबार थे जो नोएडा और आसपास से निकलते थे, तो उसमें छोटी सी खबर गई कि गौकशी के शक में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या, जिसका नाम अखलाक था, और सामान्य सी खबर थी। 2 दिन बाद उस खबर को जब एक अंग्रेजी अखबार ने टॉप बाग छापा, नेक्स्ट डोर टू दिल्ली, ए मैन बीटन टू डेथ, इस तरह का कोई शीर्षक था, और उसके बाद फिर देश भर में हंगामा मच गया और सो कॉल्ड सेकुलर राजनीतिक दलों ने दादरी जो नोएडा के पास पड़ता है वहां उनके जाने की होड़ लग गई। उत्तर प्रदेश में उस समय सपा सरकार थी, लेकिन सारा ब्लेम मोदी पर डाला गया कि वो हिंदूवादी संगठनों ने ये किया। तो इस तरह की घटनाओं की गिनती करना कठिन है, जिसमें अंग्रेजी मीडिया ने एक अलग तरह का रवैया आया, उस खबर को छिपाने की कोशिश की। दिल्ली में जो 2-3 लड़के मारे गए जिनका अफेयर मुस्लिम लड़कियों से था, उन घटनाओं को यथासंभव छिपाने, दबाने, अंदर के पेज पर छापने की हर संभव कोशिश की गई। तो ये सिलसिला अभी भी जारी है और लगता है कि उसमें सुधार आने वाला नहीं है। हालांकि अब ऐसा लगता है कि वो अपनी तीखी आलोचना से जब उनको घेरा जाता है तो वो कुछ कुछ समझने लगे हैं कि अब हमें लोग हमारे इस खेल को, इस छल को समझने लगे हैं। तो अब थोड़ा सा वो ऐसा होने लगा है कि जैसे अभी वो कर्नाटक में वो जो एक दलित लड़के की हत्या की गई थी जिसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी, तो अंग्रेजी अखबारों ने और अंग्रेजी चैनलों ने जो ऐसी खबर कभी देते नहीं थे या बहुत छोटे में देते थे या बहुत पासिंग रेफरेंस में देते थे, उन्होंने उसको कवर किया। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको रियलाइज हो रहा है कि हम ये जो छल कर रहे हैं, एक तरह की लिंचिंग को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, बताते हैं, छापते हैं, और एक तरह की लिंचिंग को डाइल्यूट करते हैं, उसको अंदर के पन्नों में छापते हैं, उस पर लेख नहीं लिखे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ये मैसेज पहुंचता है ऐसा लगता। अभी मैं आपसे है ना एक और चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ और फिर हम वीडियो जर्नलिज्म की दुनिया में जाएंगे, मगर ये मैंने है ना एक बहुत समय पहले एक ऑनलाइन पोर्टल था dueexpress.in, उस पर मेरे को याद है, मुझे याद था, आज भी इट स्टूड आउट टू मी। तो इसके लिए मैं आपको एक, ये इंग्लिश में लिखा गया था मगर मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। तो इसमें लिखा है, मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के सुना रहा हूँ। देर वॉज अ वेरी बिग मार्जिन इन द फर्स्ट कट ऑफ ऑफ इंग्लिश जर्नलिज्म एंड हिंदी जर्नलिज्म। द फर्स्ट कट ऑफ वेंट हाईएस्ट इन दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स एट द रेट ऑफ 98.5%,
while the first cutoff Hindi journalism was highest in Bhimrao Ambedkar College at 86%. Even after having a higher cutoff, the seats of English journalism were taken up in the early cutoff, while Hindi journalism was still taking admissions till the last cutoff. बाद में इन्होंने ऑब्वियसली कहा गया है कि मतलब उन्होंने बात की थी कि कुछ दो तीन प्रोफेसर्स थे, जैसे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिंदी जर्नलिज्म एट रामलाल आनंद कॉलेज राकेश कुमार, दिस इज हैपनिंग बिकॉज द हिंदी जर्नलिज्म कोर्स इज नॉट पॉपुलर एंड फॉर इट वन मस्ट हैव स्टडीड हिंदी टिल क्लास 12th, बट द स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर साइंस एंड कॉमर्स लूज द ट्रैक ऑफ हिंदी एंड ओनली स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज कम टू ऑप्ट दिस कोर्स व्हिच इज व्हाई द कट ऑफ्स आर केप्ट लो. ही आल्सो एडेड दैट हिंदी जर्नलिज्म डजंट हैव अ वेल फॉर्म्ड डिपार्टमेंट एंड द कोर्स रन्स ऑन सेल्फ फाइनेंस ड्यू टू व्हिच देयर इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नो परमानेंट फैकल्टी. इवन एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट्स मीडिया कंपनीज प्रिफर ओनली इंग्लिश और बायलिंगुअल स्टूडेंट्स व्हिच इज अ डिसएडवांटेज टू द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम. ये जब मैंने पढ़ा था ना राजीव जी, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची थी क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ आपने बताया है कि आज भी अगर हम प्योर नंबर्स की बात करें कि इन टर्म्स ऑफ कितने लोग पढ़ते हैं, तो हिंदी और बाकी जो भाषाएं हैं वो ज्यादा होती हैं अंग्रेजी से. उसके बाद भी ये कैसे हो सकता है कि कट ऑफ हिंदी में लो रखा जाता है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स की भी ये प्रॉब्लम हो रही है, जबकि करियर अपॉर्चुनिटीज भी मेरे हिसाब से अगर एक चीज ज्यादा बिक रही है तो उसकी हायरिंग भी नेचुरली ज्यादा होनी चाहिए ना राजीव जी, मगर ये उल्टी गंगा क्यों बहती है इधर? ये जो आपने अभी पढ़ा, हमें लगता है ये पुरानी बात है. ये अब पिछले 15-20 सालों में, खास 2000 के बाद से स्थितियां बदली हैं और जो जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटियों में जो जर्नलिज्म की पढ़ाई है, तो अब बहुत सारे कॉलेज हैं. न केवल तमाम यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म पढ़ाया जा रहा है बल्कि तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं. तो अब स्थिति बदली है. ये जो जिक्र आपने किया, ये 15-20 साल पहले तो एक हद तक सही थी, लेकिन अब स्थितियाँ बदली हैं. अब बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है जर्नलिज्म के जिसमें हिंदी में पढ़ाई होती है और वहाँ से अच्छे लड़के निकल के भी आ रहे हैं और वो खप भी रहे हैं हिंदी जर्नलिज्म में. तो अब स्थितियाँ पिछले 15-20 सालों में बहुत बदल गई हैं. वो जो आपने बताया वो एक समय स्थिति थी, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही. अब हालात बदल गए हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी हो गई है और ये नो डाउट कि प्रिंट समय दबाव में है. प्रिंट के मुकाबले ऑनलाइन माध्यम तेजी से ग्रो कर रहा है. तो उसमें रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, वो एक बड़ी बड़ी संख्या में रिक्रूटमेंट ऑनलाइन में भी हो रहे हैं, उनमें वेतन भी अच्छे हो रहे हैं. प्रिंट पहले तो कोरोना ने उसको बहुत प्रभावित किया, प्रिंट को, चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी हो. कोरोना से उभरा ये था कि यूक्रेन वार ने जो है एक नई मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि कार्य महंगा हो गया, स्याही महंगा हो गया और दूसरी चीजें महंगी हो गई. तो इस वजह से प्रिंट दबाव में है. और एक एक, एक अंतर ये भी आया है कि जब से स्मार्टफोन आया तो जो यूथ है, वो चाहे हिंदी बेल्ट का हो या और किसी दूसरी भाषाओं के इलाके का यूथ हो, वो अब अखबार जो 20-22-25 साल का यूथ है, वो अखबार अब बहुत कम पढ़ता है. वो किसी भी भाषा का अखबार, वो अपनी ज़्यादातर न्यूज मोबाइल से कंज्यूम करता है. तो इस समय प्रिंट मीडिया दबाव में है. और अभी एक राइटर का सर्वे भी आया है, वो एक इंडिया के बारे में, उसमें एक छोटा सा हिस्सा है कि अब शायद 43% लोग ही प्रिंट से न्यूज कंज्यूम करते हैं, बाकी कोई ऑनलाइन सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप. इवन यूट्यूब का परसेंटेज 53 है और प्रिंट का 49 है, व्हाट्सएप का 51 है. तो ये अभी हाल का एक सप्ताह पहले कराकर का सर्वे है. तो अब उसमें यह है कि लोग बाग न्यूज प्रिंट से कम कंज्यूम कर रहे हैं, जो दूसरे ऑनलाइन सोशल मीडिया, मोबाइल, यूट्यूब, वहां से ज्यादा कर रहे हैं. बस प्रिंट के पास अभी एक ताकत है कि छपे हुए शब्दों की विश्वसनीयता, उसकी महत्ता, उसकी गरिमा अधिक है, इसलिए लोग भरोसा उसी पर करते हैं. टीवी पर देखा, सोशल मीडिया पर देखा, यूट्यूब में कुछ देखा, ऑनलाइन पोर्टल है उसमें कुछ देखा, पढ़ा, सुना, लेकिन जब तक वो अखबार में पढ़
पढ़ नहीं लेते हैं तब तक उनको संतुष्टि का भाव नहीं होता, जब अखबार में पढ़ लेते हैं तब उनको यकीन आता है कि हाँ ऐसा वाकई हुआ होगा या हुआ है। अच्छा राजीव जी, क्या क्या का कई हद तक क्या ये भी सही है कि जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात आती है इसमें रीजनल लैंग्वेज मीडिया जो होती है, भले हम हिंदी के ऊपर ही हमारा बात करेंगे, मगर यहाँ पे भी जर्नलिस्ट के जो सोर्सेज होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के जो पीसेस होते हैं, जाके बताना, लोकल रिपोर्टाज जो होती है जाके बताना कि भाई यहाँ पे फलाना कॉरपोरेटर ऐसे सब काम कर रहा है, ये भी मैंने देखा है कि हिंदी जर्नलिज्म में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आज ज्यादा होती है, अंग्रेजी जर्नलिज्म में अभी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी बंद हो गया है। और अगर हो गया है तो ऐसा क्यों हो गया है कि इंग्लिश जर्नलिज्म अभी सिर्फ ओपिनियन पीसेस में ही जाके अटक गया और कुछ करता ही नहीं है? इन्वेस्टिगेशन आधारित जो जर्नलिज्म है उसमें जो हिंदी और दूसरे भाषाई अखबार हैं तो तमाम ऐसी खबरें हैं जो पहले हिंदी या किसी दूसरी भाषा के अखबार में लोकल लेवल पर छपी और फिर जब उनको किसी अंग्रेजी अखबार के रिपोर्टर ने देखा तो उसको नेशनल पर्सपेक्टिव में उसको थोड़ा एंगल बदल करके और जब दिल्ली के अखबारों में छापा अंग्रेजी के अखबारों में तो वो क्रेडिट उनके पास चला गया। न्यूज़ब्रेक की हिंदी भाषाई अखबार ने लेकिन वो कानपुर में, इंदौर में, भोपाल में, पटना में किसी हिंदी अखबार में छपी और उसकी चर्चा वही हुई। क्योंकि आज से 20 साल पहले दिल्ली में ना तो टीवी चैनलों का इतना बोलबाला था, ना हिंदी अखबार आए थे, केवल शायद नवभारत टाइम्स और दैनिक हिंदुस्तान दो ही अखबार थे, तीसरा अखबार बहुत दिनों बाद पंजाब केसरी आया। तो ये भी एक कारण रहा कि जो न्यूज ब्रेक की किसी हिंदी या और दूसरी भाषा के अखबार ने लेकिन उसका क्रेडिट ले गए अंग्रेजी अखबार, तो ऐसा भी हुआ है। और अभी भी ये हो रहा है कि सारे टीवी चैनल सबसे पहले हिंदी अखबार या रीजनल अखबार देखते हैं कि वहाँ किसी के अंदर के पन्ने पे कौन सी खबर छपी है, उसमें उनको कुछ गुंजाइश दिखती है कि इस पर खेला जा सकता है, तो फिर वहाँ से अपने रिपोर्टर को या स्टिंगर को भेज करके ऐसे कराते। तो ये अभी भी चल रहा है कि अंग्रेजी मीडिया और अंग्रेजी टीवी चैनलों इवन हिंदी चैनलों की न्यूज एक बड़ी संख्या में वहां से वो पिक करते हैं जो रीजनल अखबारों में छपी होती है। तो मतलब अंततः मेहनत सारी हिंदी अखबार वाले करते हैं, अंग्रेजी अखबार सिर्फ मलाई खा के मजे लूटते हैं। और एक और चीज मैंने देखी है सर कि जब कोई पत्रकार के ऊपर, मैं किसी विशेष सरकार का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि भारत में हर सरकार का ये रिकॉर्ड रहा है कि उसने किसी भी प्रांत में पत्रकार को बख्शा नहीं है, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि पत्रकार कभी गलत नहीं हो सकते, पत्रकार भी गलत हो सकते हैं, मगर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने एक और चीज, ये जो असॉल्ट ऑन जर्नलिज्म और असॉल्ट ऑन जर्नलिस्ट होता है इसमें भी बायस है सर, कि अगर वो जर्नलिस्ट एक पर्टिकुलर विचारधारा, एक मतलब किसी विचारधारा से विपरीत है तो उसके ऊपर अगर असॉल्ट हुआ, भले वो किसी भी सरकार द्वारा हो, वो असॉल्ट असॉल्ट नहीं होता। और मैंने एक और चीज देखी है, इसमें भी लैंग्वेज डिवाइड है सर, कि कई बार जो सबसे ज्यादा डेंजरस असॉल्ट्स होते हैं, मैंने क्यों आपसे ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात की, क्योंकि असॉल्ट की जो चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटीज होती है, वो हिंदी अखबार वालों के ऊपर हाई होंगी, क्योंकि वो ये सब पंगे लेने वाले काम करते हैं, जाते हैं सोर्सेस को कुरेदते हैं, निकालते हैं इंफॉर्मेशन, और सबसे ज्यादा खतरे वाली जर्नलिज्म वो करते हैं। इसके लिए भले वो असॉल्ट फ्रॉम द स्टेट हो जो सरकार है, या असॉल्ट फ्रॉम द थग्स हो जो ये गुंडे होते हैं, जो अलग अलग किस्म के जब होते हैं, वो ज्यादातर असॉल्ट होते हैं वो ये बेचारे रीजनल लैंग्वेज वाले पत्रकारों पर होते हैं। उसके बाद भी सर, इतना सब होने के बाद भी क्या रीजनल लैंग्वेज पत्रकार की कोई यूनियन नहीं है जो आके आवाज उठाए कि भाई हमारे जर्नलिस्ट को भी तो थप्पड़ पड़ते हैं, मगर सिर्फ जब कोई अंग्रेजी पत्रकार के साथ कुछ होता है तो ही बवाल मचता है इस देश में? तो ऐसा कोई माध्यम नहीं बना है कि वो कोई जाके आवाज उठाए कि कुछ हो नहीं सकता इसका, अभी कि मैं गिव अप कर दूं इस आइडिया को? देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ संगठन बने हुए हैं, हर ठीक ठाक जिले में प्रेस क्लब बने हुए हैं, करीब करीब देश के हर बड़े शहर में कोई ना कोई प्रेस क्लब आपको मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है कि उसमें हिंदी या दो रीजनल
भाषा के जो अखबार हैं उनके जर्नलिस्टों का प्रभुत्व होता है। लेकिन समस्या ये है कि जो दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है पत्रकारों के, चाहे एडिटर्स गिल्ड हो गया, प्रेस काउंसिल हो गया, तो उसमें अंग्रेजी द लोगों का ही प्रभुत्व है। और वो जाहिर सी बात है कि वो ये तय करते हैं कि किसी पत्रकार को पीटा गया है, धमकाया गया है, या पुलिस ने उसके साथ कुछ मारपीट की है, तो वो देखते हैं कि मामला क्या है। अगर उनको सूट करता है तब तो उसकी आवाज उठाते हैं, नहीं तो उसको इग्नोर करते हैं। और ऐसे दर्जनों उदाहरण है, रीडर्स गिल्ड ने किसी दिल्ली के अंग्रेजी अखबार के किसी जर्नलिस्ट के साथ कुछ हुआ तो उसपे उसको उसकी निंदा करते हुए एक प्रेस रिलीज जारी की, लेकिन किसी रीजनल अखबार के रिपोर्टर के साथ कुछ हुआ तो उसको इग्नोर कर दिया। तो ये चलता रहता है। वही है कि जो एलीट क्लास जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी और सरकार में हावी है, उसी तरह से जो प्रेस इंस्टीट्यूशन है, जो एलिटस गिल्ड जैसी संस्थाएं हैं, उन पर भी उन्हीं लोगों का दबदबा है। हाँ, ये बड़े दुख की बात है। और पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता, एडिटर्स गिल्ड में तो मैंने कभी नहीं देखा है किसी ये रीजनल लैंग्वेज में मीडिया के लिए कभी इस किस्म से आवाज उठाई गई हो, मैंने तो नहीं देखा है। हो सकता है मेरी गलती हो सकती है, इक्का दुक्का में आवाज उठाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो जो पत्रकार के साथ कुछ गलत हुआ है तो उनके एजेंडे को सूट कर रहा है या नहीं। अगर एजेंडे को सूट नहीं कर रहा है तो उसको इग्नोर करते हैं, अगर एजेंडे को सूट कर रहा है तो उसको हाईलाइट करते हैं। समझ गया, मैं समझ गया। अब हम आते हैं वीडियो की दुनिया पर। जैसे जो विजुअल मीडियम है, हम प्रिंट से, मैं जानता हूं आपका करियर प्रिंट में रहा है, मगर फिर भी मैं आपका मत जानना चाहता था कि एक सर, मैं आपको 2014 का द हिंदू का एक मुझे याद है मधुर तंखा ने ये पीस लिखा था, और इसमें बेसिकली ये पीस था फोकस ऑन द डिस्पैरिटी इन पे गैप बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी जर्नलिस्ट। ये वो बेसिकली एक छोटा सा आर्टिकल था। अगेन, ये मेरे को याद रहा आज भी, जहां भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे एक एक करके चीजें याद आई थी, तो मैं उसको खोज के निकाल रहा था। ये मुझे याद था, ये मुझे बड़े दिमाग में बैठा था, यहां तक कि मुझे किसी ने समझाया था कि अगेन जब आप एक हिंदी के एंकर हैं टीवी पे, आपकी व्यूअरशिप, मतलब आप कंपेयर ही नहीं कर सकते इंग्लिश एंकर की व्यूअरशिप और हिंदी एंकर की व्यूअरशिप, इतना बड़ा अंतर है, इतने बड़े अंतर। ये अंतर है, और पहले तो बहुत ज्यादा था, लेकिन 2000 के बाद से वो गैप कम हुआ है, लेकिन अभी भी वो गैप बना हुआ है। और हमें लगता है कि आने वाले सालों में शायद वो गैप थोड़ा और कम हो, लेकिन ये बात सही है कि अंग्रेजी अखबार अच्छे पे मास्टर माने जाते हैं और रीजनल अखबार उनके बराबर की स्थिति में अभी नहीं पहुंच पाए, ये एक सच्चाई है, इसको स्वीकार करना होगा। मगर राजीव जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि उदाहरण के तौर पे आज तक जो लोग आज तक देखते होंगे या रिपब्लिक भारत देखते होंगे, उनकी संख्या लाखों से ज्यादा होगी अंग्रेजी अंग्रेजी वीडियो मीडियम से भी, उसके बाद भी ये पे गैप कैसे हो सकता है? ये मतलब इसके पीछे कोई बिजनेस सेंस भी तो होनी चाहिए ना सर। अगर एक एंकर की पॉपुलैरिटी देखें, रूबिका लियाकत को आज इतने ज्यादा लोग सुनते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है कि आप एक कोई भी इंग्लिश एंकर को ले लीजिए, रूबिका लियाकत की व्यूअरशिप और लिसनरशिप वो बहुत ज्यादा होगी किसी भी अंग्रेजी एंकर के मुकाबले में। मगर उसके बाद भी ओवरऑल अगर आप पे गैप देखें, आज भी इंग्लिश मीडिया जो है, इंग्लिश मीडिया को सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, इंग्लिश मतलब को सुनने वाले लोग बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, और फिर भी मगर जब लाखों लोग, मतलब अगर एक हिंदी चैनल को देख लें और एक इंग्लिश चैनल को देख लें, तो ये कैसे हो सकता है कि एक इतने पॉपुलर लेवल के शोज हैं और एक इस लेवल के, इस तरह के शोज हैं, फिर भी पे गैप में ये उल्टा है? ये मतलब ये माजरा कैसे है, ये कैसे डिसाइड होता है? ये एक पहेली है, ये पे गैप ऐसा होना नहीं चाहिए और अब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी अखबार, नो डाउट अंग्रेजी अखबारों का रेवेन्यू
हिंदी और भाषाई अखबारों के मुकाबले ज्यादा है और वो काफी ज्यादा है। तो एक कारण तो ये हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं वो मेंटलिटी है कि हिंदी जर्नलिस्ट आसानी से अवेलेबल हैं, वो भी एक कारण है। तो ये एक समस्या है और ऐसा लगता नहीं कि हाल फिलहाल दूर होने वाली है। और इसके पीछे एक कारण, जैसा कि बताया कि रेवेन्यू के मामले में अंग्रेजी अखबार हिंदी और दूसरे भाषाई अखबारों पर बीस साबित होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कारण है। अच्छा राजीव जी, अभी मैंने हिंदी हिंदी मीडियम, भले वो अखबार हो कि वीडियो मीडियम हो, उनकी मैंने बहुत तरफदारी की, मगर एक अभी मेरी मेरा मेरा फर्ज होता है कि मैं अभी उनकी थोड़ी निंदा भी करूं। एक चीज मैंने देखी है जो हिंदी अखबारों में, और भले वो न्यूज पोर्टल हो या हो, एक चीज, ये मेरा मत है, आप इसको खारिज कर दीजिए और आप बोलिए नहीं कुशल जी आप गलत समझ रहे हो, मगर थोड़ा एक वो जिसको बोलते हैं ना एक भड़काऊ तरीके से किसी को दिखाना, वो मैंने एक देखी है चीज, वो थोड़ा हिंदी, भले वो विजुअल मीडियम हो या प्रिंट मीडियम हो, उसमें थोड़ी ज्यादा दिखती है कि आप है ना वो जैसे सबसे विचित्र किस्म के एक मौलाना को लेके आएंगे और टीवी स्टूडियो में बिठाएंगे जिसके सबसे विचित्र किस्म के विचार होंगे और फिर आप उनको भिड़ाते रहेंगे। क्या ये जो एक्यूजेशन है जो ये हिंदी मीडियम के ऊपर हमेशा लगाई जाती है कि हिंदी मीडियम के जो चैनल हैं या अखबार हैं ये फसाद करना चाहते हैं, ये लोगों में मन मुटाव पैदा करना चाहते हैं, क्या ये कहीं हद तक सही है कि नहीं अंग्रेजी वाले भी अपने तरीके से वही करते हैं, वो वामपंथी विचार के लोगों को लाके बिठाते रहते हैं जो सिर्फ मैं तो खुले तौर के कहता हूँ उनको सिर्फ हिंदुइज्म में खामियां दिखती हैं और किसी धर्म में खामियां दिखती ही नहीं है, मगर क्या हिंदी मीडियम को भी थोड़ा सा अपने आप को ये कंट्रोल करना पड़ेगा कि ये किस हद तक हम गिर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? देखिए, ये जो बात आपने कही ये प्रिंट पर तो नहीं लागू होती, क्योंकि अखबार में कोई भी न्यूज जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं कई प्रोसेस से गुजरती है। रिपोर्टर ने अगर खबर भेजी तो उसको डेस्क पे आएगी, फिर डेस्क के बाद जो उसका सीनियर है वो देखेगा। तो प्रिंट में अभी भी सावधानी बरती जाती है कि कोई ऐसी चीज ना चली जाए जिससे माहौल खराब हो, लोग बाग भड़के, या कल जवाबदेही देनी पड़े कि ये खबर कैसे छप गई। लेकिन जिम्मेदारी का ये जो भाव प्रिंट में है, प्रिंट के जर्नलिस्ट में है, ये टीवी चैनलों में नहीं है। टीवी चैनल, बल्कि एक जुमला कहा जाता है कि भय भूत सनसनी, इसके पीछे पड़े रहते हैं कि वो छोटी सी छोटी खबर को गजब हो गया इस अंदाज में पेश करते हैं। और ये शुरुआत में ये था कि भाई, अभी जब टीवी चैनल नए नए शुरू हुए आज से 20-25 साल पहले, कि अभी ये शैशवावस्था में हैं, धीरे धीरे जिम्मेदार बनेंगे, लेकिन वो अभी उनकी शैशवावस्था खत्म नहीं हुई, वो अभी नहीं हो पाए, मैच्योर नहीं हो पाए हैं। और चूंकि वो उनके लिए टीआरपी सब कुछ है, जीवन मरण का प्रश्न है कि अगर टीआरपी ठीक नहीं होगी तो फिर उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो टीआरपी गेन करने के लिए वो कुछ भी सनसनीखेज तरीके से पेश करने के लिए तैयार रहते हैं। आप देखिए कि जब कोरोना नहीं था और यूक्रेन युद्ध नहीं था, तो उत्तर कोरिया का जो शासक है तानाशाह किम उल सुंग, या जो इसी तरह का कुछ नाम है, उसकी कितनी खबरें हिंदी टीवी चैनलों में दिखाई जाती थी। और उसमें कुछ भी कि उसने ऐसा कर दिया, आपने अपने चाचा को मरवा दिया, और उसके पास ऐसे बम हैं, वो ऐसे रहता है। और ये इतना ज्यादा हो गया कि दिल्ली में साउथ कोरिया के राजदूत ने किसी से कहा कि भारत में ये टीवी चैनल उत्तर कोरिया की खबरें को इतना ज्यादा क्यों दिखाते हैं। इसके पहले जब आइसिस का खून खराबा अपने चरम पे था, तो बगदादी की कहानी रोज टीवी चैनल में एक कार्यक्रम बगदादी पर केंद्रित होता था। और उसके बारे में आप कुछ भी बता दीजिए कि वो इतना खूंखार है, ऐसा करता है, ऐसे रहता है, इतने लोगों को मारा, इस तरीके से मारा, क्योंकि कोई खंडन करने वाला तो है नहीं।
इसी तरह भूत प्रेत की कहानियां उनको लेकर के एक शुरू हो गया था सिलसिला। तो टीवी चैनलों में अभी भी जिम्मेदारी का वो भाव नहीं है जो अब तक आ जाना चाहिए था, क्योंकि उनको भी अच्छा खासा समय बीत गया है। लेकिन प्रिंट के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि प्रिंट में कोई भी खबर हो वो ठोंक बजा के दी जाती है, क्योंकि वो अगले दिन छप जाती है और फिर उसकी जवाबदेही देनी पड़ सकती है रिपोर्टर से लेकर के जो डेस्क में है लड़का, वहां से लेकर एडिटर तक। नो डाउट गलतियां हो जाती हैं कभी कभार, सबसे होती हैं, लेकिन प्रिंट में अभी भी खबरों को ठोंक बजा करके देने का जो एक सिलसिला है वो अभी कायम है, जो आदत है वो अभी बनी हुई है। फेयर इनफ, आई थिंक आपने सही बात कही है, प्रिंट में ये नहीं है। मगर मुझे आज मेरे को 2008 का इंडिया टुडे का कभी नहीं भूलेगा जब उन्होंने एलियंस, क्या एलियंस आपकी गाय चुरा रहे हैं, अभी ऐसी तो न्यूज ना डालो यार कि एलियंस आपकी गाय चुरा रहे हैं, ये भी न्यूज आ गई थी। इंडिया टुडे आज बहुत आगे आ गया उससे, उससे बहुत दिन हो गए हैं, मगर अभी क्या करें, अभी मतलब इस चीज के। और ये जो हिंदी जो वीडियो मीडियम है, प्रिंट नहीं वीडियो मीडियम, जो विजुअल मीडियम है, उसकी ये जो प्रॉब्लम है, इसका पता नहीं क्या होगा। और मेरे हिसाब से उनको अब जैसे राज्यसभा टीवी है या लोकसभा टीवी, अभी तो वो दोनों मिलके एक हो गए, उसमें हिंदी के इतनी अच्छी चर्चाएं होती है, इतने अच्छे डिबेट्स होते हैं, कोई चिल्लाता नहीं है, सब एक दूसरे से शांति से बात करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदी भाषा में वो नहीं हो सकता, मगर पता नहीं हमारे जो एंकर्स हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, जैसे रूबिका लियाकत को मैं पसंद करता हूँ, मुझे उसका काम बहुत अच्छा लगता है, मगर ऐसे बहुत सारे एंकर हैं, पता नहीं उनको कैसे क्या होता है कि पता नहीं जैसे पीछे से कोई चाबी घुमा दी हुई है, और वो और ऊट पटांग किस्म के, मतलब उनका जो आप अगर आर्टवर्क भी देखेंगे जो जैसे विजुअल मीडियम में ग्राफिक्स जो होते हैं, मतलब उल जुलूल किस्म की काम करना। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि क्या हिंदी कंटेंट जनरेटर्स इतना लो ओपिनियन रखते हैं अपने ऑडियंस के बारे में कि भैया हमारा ऑडियंस तो ऐसा ही है, वो यही देखने वाला है। मतलब मुझे कई बार लगता है कि यार इतनी थोड़ी तो इज्जत किया करो अपने ऑडियंस की। मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, पता नहीं, ये मेरे विचार थे, मैं आपसे शेयर करना चाहता था। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि टीआरपी का दबाव इन पर इतना है कि ये जानबूझकर कई बार गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं और ऐसी चीजें दिखाते हैं जो किसी भी रेस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस को उससे बचना चाहिए। लेकिन आप देखें कि जो हिंदी और अब तो अंग्रेजी में भी ऐसे जो स्पोक्स पर्सन बुलाए जाते हैं या जो पार्टियों के प्रवक्ता आते हैं, तो वो छांट करके ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं जो तू तू मैं करते हैं, जो अबे तबे की भाषा इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं, जो कुछ कंट्रोवर्शियल बोलने की आदत जिनमें होती है, जो तू तड़ाक करने में ज्यादा आगे रहते हैं। तो जानबूझकर आप देखिए कि वही 50 लोग हैं जो अलग अलग टीवी चैनलों में दिखते हैं, तू तू मैं करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, और टीवी चैनल ऐसे लोगों को जानबूझकर बुलाते हैं। जब कोई रिलीजियस इशू होता है तो वो मुल्ला मौलवी सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर और उधर हिंदू धर्माचार्य धर्म गुरु भी इस तरह के बुलाते हैं जो कुछ बकवास कर सके, और इससे ये लगता है कि उनको जब झगड़ा होता है उनके बीच में, जब दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं, तो उन दोनों को एक साथ कर देते हैं और किसी से भी ये नहीं कहते और दोनों को बोलने का मौका देते हैं ताकि तू तू मैं बना रहे, क्योंकि उनके दिमाग में ये भर गया है कि जब तक ये गाली गलौज तू तू मैं नहीं होगा, तब तक हमारे पाठक हमारे दर्शक जो है हमको देखेंगे नहीं। तो ये एक आदत पड़ गई है, आदत खराब हो गई है, उसको कोई बदलना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको ये मैसेज चला गया है कि टीआरपी तो इसी से मिलेगी। तो कई बार ऐसे हुए कि दो लोग आपस में प्रवक्ता गाली गलौज कर दिए या एक दूसरे पे थप्पड़ मार दिए, तो उन टीवी चैनलों ने उसके विशेष प्रोमो बनाए और कहा कि देखिए हम इसकी निंदा करते हैं, इन्होंने जो इनके ऊपर गाली गाली बकी या उनके ऊपर हाथ छोड़ दिया, मारने की धमकी दी, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन वो उसको बेचने की भी कोशिश करते हैं
2-3 दिन तक लगातार उनको प्रोमो चलाते हैं कि देखिए इन्होंने उसको पीट दिया, हम इसकी निंदा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, लेकिन उसको बार बार टेलीकास्ट करते हैं, चूंकि दिमाग में ये बैठ गया है कि टीआरपी तो हमको लड़ाई झगड़े तू तू मैं और ये बकवास करने वाले अलग अलग लोगों से, एक दूसरे को गाली देने वालों लोगों से ही मिलेगी, तो वो सिलसिला चल रहा है और ये खत्म होता भी नहीं दिख रहा है। जबकि जो इसका इसका एक कारण है कि अब बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम तो भाई टीवी न्यूज देखते ही नहीं। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे पिछले 4-5 सालों में टीवी चैनलों ने जिस तरह की बहस की है कि वो पाकिस्तान के गेस्ट बुलाते थे और यहाँ के गेस्ट बुलाते थे और पाकिस्तान के गेस्ट जो होते थे उनको डिमीन किया जाता था, तू तड़ाक की भाषा बोली जाती थी, तो जाहिर सी बात है साथ उनको पैसे दिए जाते थे। तो अभी भी ऐसा मानने के अच्छे भले कारण हैं कि जो लोग बकवास तू तड़ाक अभिव्यक्ति भाषा इस्तेमाल करते हैं उनको उन्हें न केवल बुलाया जाता है टीवी चैनलों में बल्कि उनको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। इसीलिए वो गाली खाने के बावजूद कभी एंकर उनको डांटता है, कभी उनका विरोधी उनको डांटता है, इसके बावजूद वो आते रहते हैं। तो पब्लिक को ये मैसेज जाता है कि सारा जिस तरह के प्रवक्ता या जिस तरह के धर्म गुरु, जिस तरह के मौलाना, जिस तरह के साधु संत, सो कॉल्ड साधु संत दिखाए जाते हैं, तो पब्लिक को लगता है कि सारे लोग ऐसे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर समाज, हर जाति में, हर क्षेत्र में रेशनल लोग हैं, सही से बात करने वाले लोग हैं, लेकिन उनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। इधर आपने देखा होगा कि कुछ एक्स मुस्लिम भी टीवी चैनलों पर आए हैं और उनका जवाब देने के लिए मुलवई पुराने मुल्ला मौलवी आए और वो उनके जवाब सवालों का जवाब नहीं दे सके तो बहस छोड़कर भाग गए। लेकिन फिर वो उनको कोई और टीवी चैनल बुलाता है तो जानबूझकर ऐसे तत्वों को निमंत्रित किया जा रहा है टीवी चैनलों की ओर से, जो गाली गलौज करते हैं, जो एक तरह से जहर उगलते हैं। और ये साफ साफ बताता है कि टीवी जर्नलिज्म अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझने को तैयार नहीं है। दो ढाई दशक बीत गए हैं, वो मैच्योरिटी की ओर नहीं जा रहा है। ये एक प्रॉब्लम है और इसको एड्रेस किया जाना चाहिए, अन्यथा ऐसे लोगों की संख्या और बढ़ेगी जो ये कहेंगे कि हमने तो टीवी न्यूज देखना छोड़ दिया है। मगर इसमें मैं आपको एक कहूंगा कि जो विजुअल मीडिया में एक उम्मीद की किरण मुझे दिख रही है वो है यूट्यूब। यूट्यूब में जो हिंदी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उसमें कुछ बहुत अच्छे, बहुत ही सलीके से बात करने वाले, भले वो शाम हो, शाम शर्मा मेरा मित्र, मेरे हिसाब से अजीत भारती भी बहुत अच्छा काम कर रहा है डीओ पॉलिटिक्स में, जो डिफेंसिव ऑफेंसिव जो उनका नाम है, और भी है आज की ताजा खबर भी है, और भी ऐसे बहुत हैं जो लोग हिंदी माध्यम में, जो यूट्यूब में आ रहे हैं ना यंग लड़के जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पता नहीं आप, मैं ये मेरा आखिरी प्रश्न आपसे यही होने वाला था कि आपको क्या यूट्यूब के माध्यम से जो वीडियो कंटेंट है उसमें कुछ आपको उम्मीद की किरण नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। और जैसा अभी हमने बताया कि जो राइटर का सर्वे है वो ये कहता है कि 53% लोग यूट्यूब के जरिए न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि प्रिंट से ज्यादा है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, वो किसी एक टॉपिक पर बात करते हैं और बहुत विस्तार से बताते हैं, उसके पूरी पृष्ठभूमि में जाते हैं और जो भी इशू होता है उसकी पूरी सटीक जानकारी देते हैं। और यही कारण है कि कई एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके सब्सक्राइबर देखते ही देखते 1 लाख से 2 लाख और 3 लाख हो जाते हैं और उनको लोग ज्यादा सुनते हैं। इसलिए ज्यादा सुनते हैं कि जिस विषय पर वो चर्चा कर रहे होते हैं उसको उनकी पूरी सटीक ऑथेंटिक जानकारी होती है, जो एनालिसिस करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। और इसके मुकाबले टीवी चैनल में सिर्फ तू तू मैं होती है। दो प्रवक्ता, दो गेस्ट होने चाहिए, उसके बजाय 4-6 होते हैं, तो उससे कोई भी अपनी बात पूरी नहीं कर पाता और जो दर्शक है वो समझ नहीं पाता कि इशू क्या है, क्या होना चाहिए, किसकी गलती है। यही कारण है कि यूट्यूब की लोकप्रियता बढ़ रही है और ऐसे यूट्यूबरों की संख्या बढ़ रही है जिनके सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनके जिनको सुनने वाले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये अगर टीवी चैनलों ने खुद को रिस्पांसिबल नहीं बनाया, खुद
मैच्योरिटी की ओर नहीं गए तो इसका उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। वहां पर लोग अपनी पसंद का जो भी है, कोई पॉलिटिकल इशू पे है, इंटरनेशनल इशू है, रिलीजियस इशू है, जो भी है, उस पर ढंग से चर्चा होती है, पूरी जानकारी मिलती है, इसलिए लोग यूट्यूब की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल राजीव जी, पॉडकास्ट का समाप्त करने का समय आ गया है, मगर समाप्त करने के पहले मैं आपसे एक आखिरी ये कहना चाहता था कि अगर कोई यंग बच्चा इसे सुन रहा है और उसको हिंदी पत्रकारिता में अगर आना हो तो आप उसको क्या सलाह देंगे, आप उन बच्चों के लिए क्या, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो एक इस सवाल का जवाब देने के पहले एक कुछ चीजें हम बताना चाहेंगे जो मूल विषय था हिंदी बनाम अंग्रेजी का, तो कुछ आपको मोटे शीर्षक बताने का हमारे मन में ख्वाहिश थी। बिल्कुल बताइए। एक हेडिंग नहीं भूल सकते, एंड दे हैंग्ड याकूब। याकूब मेनन को फांसी हुई थी, तो एक बड़े अंग्रेजी अखबार की हेडिंग थी एंड दे हैंग्ड याकूब। और जब पुलवामा कांड हुआ था तो एक बड़े अंग्रेजी अखबार की हेडिंग थी गवर्नमेंट ब्लेम्स पाक आफ्टर लोकल यूथ रैम सीआरपीएफ कॉन्वॉय विद आईईडी पैक्ड एसयूवी इन वर्स्ट टेरर हिट ऑन जेएनके फोर्सेस, याद है मुझे। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि राफेल मामले में एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने मनोहर परिकर के लेटर को किस तरह क्रॉप करके छापा था और आधी सूचना दी थी। तो ये बताना जरूरी था ताकि अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं के अखबारों के नजरिए का आप वो जान सके। और जहां तक आपका आखिरी प्रश्न है कि देखिए, जो भी पत्रकारिता में आना चाहता है वो अगर उसका लिखने पढ़ने देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको अपने तरीके से समझने अडाप्ट करने की उसकी हावी नहीं है तो उसको इस फील्ड में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग, जब पिछले दशकों में मीडिया तेजी से ग्रो किया, टीवी चैनल बढ़े, अखबार के बहुत सारे एडिशन बढ़े, अंग्रेजी के, हिंदी के, दूसरे भाषाओं के, तो बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जर्नलिज्म में जिनकी रुचि जर्नलिज्म नहीं थी, खबरों में नहीं थी, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको अपने ढंग से समझने व्याख्यायित करने की नहीं थी। वो उन पत्रकारों को देख रहे थे, उनसे प्रेरित हो रहे थे जिनको दरोगा जी भी सलाम करते हैं, शहर का विधायक भी सलाम करता है, पार्षद भी सलाम करता है, उसके यहाँ कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है तो बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, तो जिसको बोलते हैं हिंदी में कि उसका जलवा बहुत होता है। तो बहुत सारे लोग इस वजह से जर्नलिज्म में आ गए हैं कि यार पत्रकार का जलवा बहुत होता है, उसको थानेदार भी सल्यूट करता है, पार्षद भी करता है, विधायक भी करता है, सांसद भी करता है, मंत्री जी भी आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कतई जर्नलिज्म में नहीं आना चाहिए। और जिन लोगों को पढ़ने लिखने की आदत नहीं है, जो कम से कम 2-3 अखबार रोज नहीं पढ़ते हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं रखते हैं, और देश दुनिया में जानकारी हो क्या हो रहा है इसकी जानकारी तो रखे ही, उन्हें हर फील्ड की जानकारी होनी चाहिए। आमतौर पे पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है ये तो हर कोई, हर जर्नलिस्ट बता देगा, लेकिन अगर उससे पूछ दिया जाए कि टेनिस के वो कौन से 4-5 खिलाड़ी हैं जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चित हैं, लोकप्रिय हैं और एक के बाद एक ग्रैंड स्लैम जीत रहे हैं, तो उनमें से कई ऐसे होंगे कहेंगे नहीं भाई हम खेल तो जानते नहीं है। इसी तरह से अगर उनसे GDP के बारे में पूछ लिया जाए, शेयर बाजार के बारे में पूछ लिया जाए, तो कहेंगे नहीं हम तो चूंकि दूसरी डेस्क में है या रिपोर्टिंग दूसरी बीट है इसलिए हमको इस बारे में पता नहीं है। तो अगर एक कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो उसे देश दुनिया के तमाम क्षेत्रों में क्या हो रहा है, राजनीति में, सोसाइटी में, खेल में, जो ग्लैमर जगत है वहाँ, इंटरनेशनल एक्टिविटीज हैं वहाँ, उन सब की पूरी ना सही लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी आपसे अपेक्षा करती है कि आपको जो भी चर्चित विषय हैं, जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, उनके बारे में सामान्य से थोड़ी ज्यादा जानकारी हो। इसलिए जर्नलिज्म में उन्हीं को आना चाहिए जो पढ़ने लिखने के शौकीन हो,
और जो देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको अपनी तरह से बयान करने की जिनमें क्षमता हो। राजीव जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे लेख लिखते रहें जागरण में और हम सब पढ़ते रहें, और मेरे दर्शकों के बिहाफ पर मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि मैंने आपके लेख से बहुत सीखा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप ट्विटर पे हैं। मैं आपको सच बताऊं कि मैं तो आपके आर्टिकल ऐसे ही पढ़ता रहता था, तो जब मैंने देखा आप ट्विटर पे हैं तो मुझे अच्छा भी लगा, इसीलिए मैंने आपको डीएम किया था कि बोला कि आप आइए बात करिए, मैं तो आपके लेख वैसे ही पढ़ता रहता था। तो एक और बार बहुत बहुत धन्यवाद आके हमसे बात करने के लिए। चलिए, धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी, और हम आपको बहुत अरसे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, और जहाँ तक ट्विटर की बात है, ट्विटर पर हम सक्रिय तब हुए जब हमने देखा कि कुछ लोग हमारे लेखों की चर्चा कर रहे हैं, तो इसके बाद हम फिर ट्विटर पर ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन सक्रिय तभी हुए जब देखा कि हमारे लेखों की चर्चा हो रही है। चलिए, आज आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा, आगे भी मुलाकात होगी और बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। ऑल राइट एवरीवन, आज की पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। सो बिफोर वी रैप थिंग्स अप, लाइक आई ऑलवेज डू, इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉडकास्ट you will find the Twitter handle of Rajiv ji, and also I'm going to leave a link to all his articles that he has written. I'll leave the hyperlink to his articles in Jagran. Jaake padho, agar Hindi wale ho to zarur jaake padho, bahut acha likhte hai Rajiv ji, do cheeze sikhoge. And mujhe agar support karna chahte ho to aap logon ko pata hai, subscribe karo YouTube pe, video ko like karo, apne comments do niche, ya member bano YouTube pe, ya Patreon pe subscriber bano, ya टी शर्ट खरीदना चाहते हो, मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हो, तो kushalmehra.com या कड़क मर्च पे जाके आप लोग ले सकते हो, या UPI से अपनी डोनेशंस डायरेक्टली दे सकते हो। मैं आपसे फिर से मिलूंगा एक नई चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।